पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुंडापांडे थाना क्षेत्र के गांव में आज पुलवामा आतंकी हमले में सीआरपीएफ के जवानों की शहादत पर गम और गुस्सा बरकरार है। मुंडापांडे गांव के दलपतपुर में आज उसी को लेकर सभी बिरादरी के लोगों ने पूरे गांव के अंदर कैंडल जलाकर आत्मा को शांति की दुआ की और शहीद हुए जवानों को सच्ची श्रद्धांजलि देने एवं शहीदों के परिवार का दुख दर्द और पीड़ा को महसूस करने एवं इस हमले में शामिल आतंकवादियों के खिलाफ भारत सरकार से आवश्यक कार्रवाई करने की मांग को लेकर 5 मिनट का मौन धारण किया और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए पूरे गांव में कैंडल मार्च निकाला गया। इस मौके पर मौजूद रहे राकेश, कमलेश, बब्बू, धर्मपाल सिंह, राजेंद्र, बिपिन, अनिल, संजय, लक्की चंद्रपाल और मुंडा पांडे के सभी पत्रकार भी मौजूद रहे। ग्राम दलपतपुर के रहने वाले हैं। हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई की तरह रहते हैं। एकता का ये हमारे यहाँ कोई ऐसी बात नहीं है। और हमारे यहाँ जो सारे भाई पत्रकार हैं वो भी हमारे साथ तन मन ढंग से तैयार रहते हैं। और यहाँ का जो भी दलपतपुर का मुसलमान साथी है या हिंदू है या कोई भी है, हम सब एक साथ रहते हैं। ना हमारा कोई ये बता सकता है कि ये मोमन है या हिंदू है। हम हमारे क्षेत्र में मुंडापांडे क्षेत्र में पूरे में एकता भाईचारा बना हुआ है। चाहे वो किसी भी गांव का मुसलमान वो हमारा भाई है, किसी भी गांव का हिंदू वो हमारा भाई है। और मैं तो ये चाहता हूँ जो शहीद हुए हैं हमारे सीमा पर जवान, उनकी आत्मा को शांति दे। हमने 5 मिनट का मौन धारण करा है और हम ये चाहते हैं अगर तन मन धन से भी हमें हमारी जान की जरूरत हो हम देने के लिए तैयार हैं। हमारे मुंडापांडे क्षेत्र के मुसलमान हो या कोई भी हो, हमारे सब साथी हैं, सब भाई हैं और हम सीमा पर जाने के लिए तैयार हैं, लड़ने के लिए तैयार हैं। ग्राम निवासी हैं जो शहीद हुए हैं बॉर्डर पे हमारे सैनिक, हम उनके उसमें मौन धारण कराए हमने 2 मिनट का। और सभी लोग हमारे जो पत्रकार हैं शहादत, इनका सबका सहयोग है। और हिंदू और जितने भी मुसलमान हैं सब इस चीज़ में सबको दुख हो रहा है कि ये गलत हुआ है। और अगर हम लोगों की सबकी ज़रूरत पड़ती है तो हम लड़ने मरने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अच्छा, गांव में रैली घूमी थी आपकी? जी, गांव में हाँ, ग्राम दलपतपुर में हमने एक हमारे ग्राउंड है यहाँ पे देवी का स्थान है, हमने वहाँ पे मौन धारण करा है और हमारे साथ बच्चे और